वेलकम टू डीआरडी सुपर मॉम्स के लाइमलाइट के शो में आए। तो हमारी जो मम्मियां हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ आया, थोड़ा थोड़ा बोल देंगे। चवड़ गंजू, वैसे तो हमारी मम्मियां वैसी पहले से एक मस्ती एक्सप्रेस है, लेकिन आइए देखते हैं आगे मस्ती क्या है। आओ ना बाबू, अंदर चलो ना। बेटा चुप हो जाओ, अब देखो आगे क्या होता है। डीआईडी हमेशा एक बहुत ही फ्रेश टैलेंट लेकर आता है हमारे देखने के लिए, एंड इस बार वो कुछ ऐसे लोगों को लेकर आया है जो यूजुअली आपको डांस करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अब एक बार कोई भी स्त्री माता बन जाती है शादी होने के बाद, तो अलग अलग जिम्मेदारियां आ जाती है, बहुत कुछ सपने देखे रहते हैं अपनी जवानी के दिनों में कि मैं यूं ये करूंगी, ये सीखती भी है। लेकिन आगे जाकर जब बच्चे होते हैं या संसार हो जाता है, गृहिणी बन जाती है, तो ये सब कर नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं इसको एक अच्छा डायवर्जन मिलता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, कहीं जो सपने हैं अधूरे हैं वो कहीं ना कहीं तो एक कुछ हिसाब तक पूरे होते हैं। सो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। डीआईडी सुपर मॉम्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज ऑन टेलीविजन राइट नाउ, और आई वुड लाइक टू से दैट माय मॉम लव्स वाचिंग डीआईडी सुपर मॉम्स, और मेरी मम्मी जब भी देखती हैं शी इज आफ्टर माय लाइफ कि उनको डीआईडी सुपर मॉम्स में जाना है। शी जस्ट वांट्स टू गो एंड जस्ट डांस फॉर लाइक 5 मिनट्स एंड जस्ट कम आउट ऑफ दैट प्लेस। सुपर मॉम में जितने भी कंटेस्टेंट है, पहले तो वो बहुत ही टैलेंटेड हैं और उनको देख के कभी लगता नहीं वो इतना अच्छा डांस कर सकती हैं, और लेकिन सभी उनमें से एक 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 से बढ़कर एक है। एक कंटेस्टेंट जिसको मैंने शुरू में देखते ही बहुत पसंद किया था वो थी फुलवा। देयर इज समथिंग वेरी नाइस अबाउट हर, उनको देखकर एक बड़ा ही सुकून मिलता है, एंड शी डांसेस विद सो मच ईज, इट्स वेरी नाइस टू सी हर। और जूलियन, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, थैंक यू। आप भी मुझे थैंक यू कह सकते हैं क्योंकि मैंने आपको थैंक यू कहा, आपको थैंक यू कहना बहुत पसंद है, आप पूरी दुनिया को देश को थैंक यू कह चुके हैं, आप मेरा नाम भूल गए, आप मुझे भी थैंक यू कह सकते हैं। थैंक यू सो मच शाश्वती, मैंने आपके परफॉर्मेंसेस देखे हैं एंड आई मस्ट से यू आर वेरी वेरी गुड विद योर वर्क, एंड आप जिस तरह के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मर्जी से पूछते हैं, आई थिंक दे आर वेरी हिलेरियस एंड दोज मोमेंट्स आर वेरी क्यूट। डीआईडी सुपर मॉम्स को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। मैंने आपके 2-3 एपिसोड्स देखे एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फैबुलस, आई थिंक आई विल हैव टू कीप अप विद यू। डीआईडी सुपर मॉम्स आई थिंक आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड ऑल द बेस्ट। मैं सारी ही सुपर मॉम्स को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज डू वेल एंड मेक ऑल योर डॉटर्स एंड सन्स प्राउड। जिस तरह हर हफ्ते बढ़ रहे हैं सुपर मॉम्स के फैंस, उसी तरह हर हफ्ते डांस के सबसे बड़े मंच पर बढ़ रहा है कंपटीशन का लेवल। टॉप 10 में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था यहाँ तक पहुँच जाएंगे। हंसते गाते मतलब दुख तकलीफ भी होता रहा, हाथ पैर भी बहुत टूटा फूटा, अब टेंशन और ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है। एक तो नंबर 1 कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, एंड दी सेकेंड थिंग कि अब जजेस के हाथ में नहीं है हमारा डिसीजन, अब जनता हमें पसंद करेगी, जनता जिसको भी पसंद करेगी वो आगे जाएगा। अभी तक तो जो किया है, लेकिन अभी दुगना मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है। कभी कभी पहले मैं बैठ भी जाती थी, लेकिन अभी बैठना नहीं है, अभी बहुत अच्छे से करना है। मैं नहीं चाहती कि मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट मिले, तो उसके लिए मेरा जी जान मुझे लगाना है, और साथ में सीरियस ज़्यादा होना है कि एक भी हमारी भूल हमें आउट कर सकती है। सारे स्किपर्स इतने सारे प्लान कर रहे हैं कि किसको कौन सी एक्ट दे और कौन सा प्रॉप यूज़ करे। थोड़ी भी गलती हुई तो वोट कम आ सकता है, तो हर एक परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के एक एक परफॉर्मेंस करना है, तो हमारे टेंशन भी बहुत है। मुझे लगता है कि इस कंपटीशन में सभी अच्छे हैं, पर सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल बताई है क्योंकि वो ट्रेन डांसर है, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मेरी कंपटीशन में मुझे फुलवाताई लग रही है। उनके लेवल ही डिफरेंट है, सबसे बेस्ट डांसर, मैं खुद बहुत एडमायर करती हूँ। वेल, सब मम्मियाँ बहुत टफ है, सब अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर है। टफेस्ट
टफेस्ट कॉम्पिटिटर की बात करें तो शायद मैं खुद ही अपनी सबसे भयंकर कॉम्पिटिटर हूँ, बिकॉज बेसिकली आई एम अ कथक डांसर. मैंने और कोई फॉर्म कभी भी ट्राई नहीं किए थे. यही आके DID के मंच में ही आके हमारे स्किपर ने जो जो फॉर्म्स करवाए मैंने फर्स्ट टाइम किया. तो मैं खुद अपने आप से डरी हूँ कि नेक्स्ट कौन सा फॉर्म होने वाला है और क्या मैं वो कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. सभी कंटेस्टेंट टफ है, पर मुझे लगता है राधिका, सुशील, शिवांगी ये सब मुझे ज्यादा टफ देंगे. डांस के सबसे बड़े मंच पर अब सारे फैसले ले रही है जनता. इस हफ्ते पहली बार आया जनता का फैसला और जिस सुपर मॉम को मिले सबसे कम वोट्स उन्हें यहाँ से जाना पड़ा. मंजुला, I'm really really sorry, but डांस के सबसे बड़े मंच पर आपका सफर बस यहीं तक था. शायद ये मेरा बैड लक था कि मैं ज्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई. अगर थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल जाता तो शायद मेरे को, मैं ऑडियंस को दिखा पाती कि मैं क्या और भी क्या कर सकती हूँ या मेरे अंदर क्या क्वालिटी है. मंजुला हमारी टीम की थी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कंटेस्टेंट और उसकी स्टाइल, उसकी डांसिंग अमेजिंग थी. मंजुला की बहुत सारी बातें मैं मिस करूंगी. एक्चुअली मैं उसकी सिर्फ बातें मिस करूंगी क्योंकि मैं परेशान हो जाती थी इसके फोन कॉल से और इसके डांटने से और इसके बंगाली से. जब ये मुझे, मैं कुछ भी गलती करती थी तो मुझे बोलती ऐसे क्यों, ऐसे क्यों करती है, इधर आ, तुम क्यों नहीं प्रैक्टिस कर. तो मैं सोचती क्या यार लड़की कैसे बोलती है, पर अब वो ज्यादा याद करूंगी मैं. और ये मुझे अपने स्टेप भी बहुत सिखाती थी जो इसके अपने खुद का स्टाइल है, जैसे ऐसे ऐसे मार के पता नहीं क्या क्या करती थी वो. शी इज अ सुपर्ब डांसर, वो बहुत अच्छी डांसर है, इसमें कोई शक नहीं है. और दुख हो रहा है कि वो आउट हो रहे. मैं जाते जाते एक ही चीज बोलना चाहूंगी, दादा को पहले बताऊंगी कि दादा आमी तुम्हारे खूब मिस करबो. आमी DID तो इच्छी तुम्हारे काछे, बट उसके बाद जब मैं DID में आई तो मैंने सोचा कि दादा से ज्यादा मैं ज्यादा देर तक मैं रह पाऊंगी, लेकिन वो हुआ नहीं मेरे से. पहले सुपर 16 में भी आई तो मेरे पैर की वजह से मेरे को जाना पड़ा था. फिर मैं जब वाइल्ड कार्ड एंट्री में आई उसमें भी मेरे को एक दो एपिसोड के बाद मैं आउट हो गई. तो दादा आई मिस यू. आपका वो जो प्रणाम मैं करती थी वो शायद कर नहीं पाऊंगी. मैं दूध से आपको प्रणाम करती हूँ और मेरे को आशीर्वाद कीजिएगा कि मैं अपना डांस कंटिन्यू कर पाऊँ. वेलकम बैक टू DID सुपर मॉम्स लैमलाइट. आप देख सकते हैं इन मॉम्स की मस्ती अभी भी जारी है. जरा घूमिए कैमरा और देखिए क्या हो रहा है. आज हमारे सारे जो टॉप 10 10 मम्मियां हैं वो मेरे घर आई हैं. हम एक छोटी सी टी पार्टी कर रहे हैं. सो आई होप आज बहुत बहुत ज्यादा टाइम के बाद हम किचन में कुछ पकाएंगे. एवरीबडीज कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. एक बंगाली है, एक गुजराती है, एक साउथ इंडियन है. तो मजा आएगा सब मिलके जो खिचड़ी बनाएंगे. हर एक का स्टाइल अलग है. के बाद ये मेरे हाथ में आया है. शायद अभी लग रहा है मैं भूल गई उसको काटने के लिए, लेकिन घर भी वापस जाना है तो मैं आज बैंगन काटूंगी और सबको ये बैंगन फ्राई खिलाऊंगी. जब हम लोग खाना पकाएंगे हर वक्त वो बीट पकड़ेंगे. एग्जैक्टली, जो भी काम करेंगे पूरे बीट के साथ करेंगे. ऑफ बीट नहीं जाएंगे. 1 2 3 गो. मुझे इतना पसंद नहीं है कुकिंग करने में, बट वी ऑल एंजॉइंग सो मच कुकिंग. और मैं कुछ सीख रही हूँ वो वेजिटेबल बनाने के लिए, वो मेन डिश. जोया को पता नहीं है कि ये जो चीज यहाँ पे है इसे क्या कहते हैं. किस चीज के लिए, रोटी के लिए या ब्रेड के लिए, मतलब क्या चीज, या फिर केक के लिए, मतलब कैसे यूज होगा ये. जो है ये इसको ओवन बोलते हैं. इसमें चीजें गर्म होती है, इसे पकाया भी जाता है. आज हम डमशराज खेलने वाले हैं बहुत दिनों बाद. हमारी टीम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
प्लेयर है सेसिल, जो सारी हिंदी मूवीज देखती है। मैं और जोया आज राइवल टीम्स हैं, सो हम कैप्टन हैं, सो देखें कौन जीतता है। श्रीदेवी की मूवी तो नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतना ज्यादा अच्छा लगा और हम बस फ्रिकआउट कर रहे थे, ऐसे डिस्को में डांस कर रहे हैं वैसे, और कुछ भी ठुमके लगा रहे, कुछ भी, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, और हम एंजॉय कर रहे थे। और हम चाहते हैं कि ऐसी पार्टी बार बार होती रहे। डांस के साथ साथ सुपर मॉम्स की मस्तियाँ भी चलती रहती हैं और इसमें उनके स्किपर्स भी पीछे नहीं हैं। हम लोग हर एक हफ्ते रेलवे स्टेशन में परफॉर्म करते हैं, अगर आपको आके देखना तो देख सकते हैं मम्मियों की वजह से। मेरा ये हाल हो गया, मैं बाजा बजाने लग गया हूँ। डमरू बजाने लग गए हैं। और मुझे कुछ मिला नहीं तो मेरे बोतल बजा रहे हैं, सारा ले लिया। हम लोग अभी फ्री हैं थोड़े, तो हम वैरायटी में ये सब करते रहते हैं, बैक स्टेज करते रहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। सो आज बहुत ये डीआईडी के स्किपर्स हैं, बाकी शो में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा बैक स्टेज, ये सिर्फ डीआईडी में ही मिलेगा आपको बैक स्टेज, जो यही मिलेगा। यहाँ आई सभी सुपर मॉम्स अपने पतियों को बहुत मिस कर रही हैं। वो यहाँ और पति वहाँ। एक मैसेज है सभी सुपर मॉम्स के पास अपने पतियों के लिए। अजी सुनिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बोलते हो कि तुम उसे प्यार नहीं करती, इसीलिए तो मेरा कहना नहीं मानती। वो मेरा प्यार ही है जो मैं आपको सताती हूँ, जो मैं आपको नखरे दिखाती हूँ। और वो आई लव यू, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। I love you so much. हमेशा मेरे साथ रहना ऐसे। You might not say a lot of things to me too, but I know deep inside that you love me a lot, and you're there for me, and I love you a lot. मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। मैं जहाँ तक भी जाऊँ, तुम हो, तुम रहोगे मेरे साथ। Love you, love you, love you. अजी आपके लिए। I love you. इस हफ्ते सुपर मॉम जोया से मिलने आई उनकी बेटी और नाती। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है जीना, और मुझे बहुत प्यारी है, और ये मैं इसकी नानी हूँ, इसका नाम है वाहिद। वाहिद बहुत नसीब वाला है कि उसको इतनी हॉट अच्छी नानी मिल गई। हम जब नानी बनेंगे तो हम इतने गंदे लगेंगे। और मगर मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मुझे हेजल के बहुत याद आ रहे थे। मैं तो अपने बेटे के साथ इतनी मस्ती नहीं करती, इतना गाती नहीं हूँ। सब मम्मी ने इसके साथ बहुत मस्ती की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसने सबको घोड़ा बना दिया, और ये बहुत लक्की है कि ये इतनी अच्छी अच्छी मम्मियों से मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और सब मम्मियों से मिलने का मौका मिला। पहले तो टीवी में देखते थे, लेकिन मम्मी के जरिए आज मैं उन सबसे मिल पाई हूँ। ये है लिप्योर आरो वाटर प्यूरिफायर, और इंडिया का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला आरो वाटर प्यूरिफायर। बहुत नई तकनीकें हैं, जैसे मैंने हाथ लगाया, उंगली लगी, इसमें पानी बटन पता नहीं। वो टच स्क्रीन है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है, मेन्यू है, फ्लो है, बॉटल है, ग्लास है, और काफी ट्रेंडी लगता है। मेरे बच्चे के लिए, हमारे सबके बच्चे के लिए, और हमारे लिए बहुत प्योर है, बहुत अच्छा है। ऑल इंडिया लिव प्योर।
वेलकम बैक टू डीआईडी सुपर मॉम्स लाइमलाइट। आजकल सुपर मॉम्स बहुत ज्यादा धमाल मस्ती कर रही है, तो मैं चाहूंगा आप जरूर देखें। यहाँ आई सभी मॉम्स के लिए डांस के साथ साथ उनकी फैमिली भी उतनी ही अहमियत रखती है। तो बस हमारी एक सुपर मॉम को जब मौका मिला अपनी फैमिली से मिलने का, तो उनकी खुशी और भी बढ़ गई। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद सब एक साथ मेरे घर पे आए हैं, बिकॉज मैं ही नहीं रहती थी घर पे, तो एक छोटा सा गेट टुगेदर जैसे हुआ है। तो बहुत दिनों बाद मैंने पकाया है और सास ससुर अमर सब एक साथ बच्चे बैठ के हम खा रहे। फुलवा अच्छा बहू, शी इज वेरी नाइस, क्योंकि अपना अपना जो भी उसको करना है बहू के तरीके से शी डज इट वेरी नाइस। खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। एक ही शब्द में बोलता हूँ कि फुलवा जैसी बहू अगर किसी के घर में होगी तो घर दुखी कभी ना होगा। मम्मी डांस सिखाती है मुझे, जिमनास्टिक्स कराती है, होमवर्क सिर्फ कभी कभी कराती है। मैं दर्शना और फुलवा मेरी जेठानी, हम दोनों ने एक साथ डीआईडी सुपर मॉम्स के ऑडिशंस दिए थे और ऑडिशन में मैं तो आगे नहीं जा पाई, बट ऑफकोर्स फुलवा ने बहुत अच्छी तरह से आगे पिकअप कर लिया और आज वो इतने अच्छा परफॉर्म करिए डीआईडी के लिए। फुलवा ऑडिशन को जब जा रही थी तो आई वॉज अ लिटिल बिट रिलक्टेंट की मत कर दिए सब, बट देन व्हेन शी वॉज देयर वो इतना मेहनत कर रही है वहाँ, तो ऐसा लग रहा है नहीं उसने बराबर डिसीजन लिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी फुलवा काकू डीआईडी सुपर मॉम्स में आई है और मेरे फ्रेंड्स बार बार पूछ रहे थे तुम्हारे काकू है ना वो, तुम्हारे काकू है ना वो, मैं बोलती हाँ वो मेरी काकू है। देर आर गर्ल्स हु आर गुड बट आई थिंक फुलवा इज बीटिंग देम ऑल राइट ऑन। कोई भी डांस ले लो, कोई भी ये ले लो, उसका मेहनत और उसका ये इतना अच्छा है कि खाली मैं सास हूँ इसके लिए नहीं बोल रही हूँ। हमने पहले से लिख के रखा है कि ये फुलवाई आने वाली है। मुझे लगता है कि वो फाइनल्स तक होगी। शी विल बी द विनर ऑफ डीआईडी सुपर मॉम्स। आई एम वेरी हैप्पी कि इन सबको लग रहा है कि मैं डीआईडी सुपर मॉम जीतने वाली हूँ। yeah, sure, तो अच्छा लग रहा है। ऑल द बेस्ट फुलवा काको। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं घर में सब संभाल लूंगी। अब पत्नी याद करे और पति ना आए, ऐसा हो सकता है भला? सभी के हस्बैंड आए, एक सुपर मॉम के हस्बैंड तो अपने साथ कुछ सरप्राइजेस भी लेकर आए। इस शो में आने के बाद बहुत पुराने बहुत चीज मेरे को याद में आ गया, क्योंकि इस शो में मेरे को जो फर्स्ट प्रपोज लेटर दिए थे वो लाना पड़ा। प्रपोज लेटर ने वो एक कार्ड में लिखी थी, वो सब कुछ मेरे को फिर से याद आ गया। ओहो कार्ड देखिए जरा। आज हमने दिल का किस्सा तमाम कर दिया, हमने पागल हो गए, तुमको भी पागल कर दिया। अरे तो सर 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 आई लव यू। 14 साल के बाद वो इतनी सुंदर संभाल के रखा है, तो मुझे वो पुराने बातें याद आ गई कि अभी भी वो सब यादें हैं हमारे पास। सर सर आई लव यू। मैं जब छोटी थी ना मुझे बहुत लिखने का शौक था, तो मैंने सोचा था जब मैं अगर कभी स्टोरी राइटर बनूंगी तो मेरे प्यार की स्टोरी सबसे पहले छापूंगी। तो अभी ये मतलब अब पूरा हिंदुस्तान मेरा स्टोरी देख रहा है, ये मतलब महसूस करने मतलब फील करने से भी अच्छा लगता है कि सारा हिंदुस्तान मेरा प्यार देख रहा है। मेघालय में हमारे मैट्रिकल सिस्टम होते हैं, मतलब वुमेन आर द हेड ऑफ द फैमिली। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा शहर है, कौन सी दुनिया है? कहाँ पे, कहाँ पे ये? इन मेघालय। कभी नहीं जाएंगे वहाँ पर। पिछले हफ्ते अनजाने में हमारी सुपर मॉम जुलियाना की कही गई कुछ बातों से उनके करीबी कुछ लोगों के दिल को दुख पहुंचा, तो बस उन्होंने इस बार उन सभी लोगों से मांगी माफी।
I, Mrs. Juliana T. Kurba, apologize to the civil community in Shillong, the state of Meghalaya, about the words I have wrongly spoken on the 28th of July episode on DID Supermoms. I actually have no intention to hurt the sentiments of my respectful fellow men. In fact, I wanted to praise them for their hard-working nature and their readiness to give their helping hand in the household works. और अब कुछ ऐसे पल जिन्हें देखकर हंसे बिना आप रह नहीं सकते। अरे ये तो पहले से ही हंस रही है। आज के शो में एक दूसरा आज मेरी जान कल गाने चुने प्रिंस और सॉरी यार ओ हाय मेरा भाई गौर से देखो इस प्राणी को प्यारे लग रहे गुजरात का मोर है ये देखिए ऐसा लग रहा है अभी औरंगजेब ही कब्र से उठ के आई है सारे हीरे मोती जवाहरात लेके आई है ताजमहल से हो गया अब जा सकते हो बाय बाय